जब व्यक्ति कलुषित होता है, जब व्यक्ति पाप करता है, उसका मन भी कलुषित हो जाता है और विचार भी कलुषित होते हैं। जब वो धर्म करता है तो उसका मन पवित्र होता है, विचार भी पवित्र होते हैं और उसका जीवन में भी बड़ा आनंद होने लगता है। कभी भी अपने मन में कलयुग का प्रवेश मत होने दीजिए। पापी व्यक्ति से बचिए। आजकल लोग बड़ा अनर्थ कर जाते हैं। पापी का तो अन्न भी दूषित होता है। पापी के अन्न से आपका रक्त दूषित हो सकता है, आपका मन बिगड़ सकता है। इसलिए पापी से बचो, पापी के अन्न से भी बचो और पापी की वार्तालाप से भी बचिए। ध्यान रहे जीवन में सदैव उसी अन्याय के आश्रय में कलयुग से जैसे ही प्रवेश हुआ, एक संत का, एक ब्राह्मण का अपमान कर बैठा। संत ब्राह्मण का अपमान ही आपको मारने के तुल्य है। राजा परीक्षित ने कहा, प्रभु उसके बाद क्या हुआ? जब हस्तिनापुर आ गए थे उस मुकुट को लेकर के, वो मुकुट तो राजकोष में जमा कर दिया और उसके उपरांत पांडवों ने राजस्व यज्ञ किया, सभी राजाओं को, महाराजाओं को बुलाया, तैयारी करी गई, सब इकट्ठे हो गए। अब प्रश्न हुआ कि सबसे पहले उस यज्ञ में पूजा किसकी करी जाए। नकुल, सहदेव ने कहा, भीम ने कहा, युधिष्ठिर ने कहा कि सबसे पहले पूजनीय तो हमारे गोविंद हैं, कृष्ण हैं, जिन्होंने पग पग पर हमारा साथ दिया है। उसी सभा में बैठा था भुआजी का पुत्र, कौन? शिशुपाल। बड़े घूर घूर के देख रहा था कृष्ण को, मेरी पत्नी को, मेरी होने वाली पत्नी को चुरा के ले गया, इसकी सबसे पहले पूजा? कदापि नहीं, ये पूजनीय नहीं है, ये पूजने के योग्य नहीं है, तो चोर है। शिशुपाल की मां अपने पुत्र के विषय में जानती थी कि ये कितना अन्यायी है। आपस में बचपन में लड़ते थे शिशुपाल और भगवान कृष्ण, हमेशा शिशुपाल गलती करता था, लेकिन शिशुपाल की मां ने कह दिया था, बेटा कृष्ण तू तो समझदार है और ये अनसमझ है, इसकी बातों में कभी मत आना, इससे क्षमा करते जाना। हां, जब भी आपको 100 गाली से ज्यादा 101 गाली दे तो फिर इसको तुम मार देना, फिर मैं कुछ नहीं कहूंगी। 100 गाली पार हो गई शिशुपाल की, 101 भी गाली हुई, चक्र खड़ा था तैयार, रहा नहीं गया, तो चक्र ने शिशुपाल की गर्दन काटी और उसका सबसे पहले वध कर दिया कि सबसे पहले कांटे को हटाओ, जो यज्ञ में व्यवधान डाले। इसलिए भगवान के कभी भी यज्ञ में, अनुष्ठान में, पूजा में, कथा में, सत्संग में व्यवधान मत डालना, कभी रोक टोक मत लगाना। भगवान की कार्य में सहयोग तो खूब करना, भगवान की कार्य के सहयोग के लिए हमेशा तत्पर रहिए कि नहीं, भगवान का कार्य होना चाहिए, ये काम कमी क्यों रह गई, ये भी होना चाहिए, हर काम में साथ हो। व्यवधान डालने वालों को तो भगवान का जो चक्र है वो छोड़ता नहीं, वो सरकत्ल कर देता। पांडवों ने उसका जैसे तैसे करके संस्कार किया, पर यज्ञ की तैयारी करी गई, यज्ञ में सबका काम अलग 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 कर दिया, सौंप दिया,
भगवान कृष्ण ने सबसे पुराने सेवा ली, द्वार पर बैठ गए। जितने भी आगंतुक अतिथि आ रहे थे सभी के चप्पल जूते उतार करके और चरणों का प्रक्षालन करके और चरणों को अपने पीताम्बर से साफ कर कर के बड़े आदर के साथ हाथ जोड़ करके विनय के अनुनय के साथ में उनके सिंहासन की ओर ले जाते और वहाँ बिठा करके फिर पुनः आ जाते। ये सेवा है, ये चप्पल जूते वाली जो सेवा है ना, ये छोटी सेवा नहीं है, ये सबसे बड़ी सेवा है। क्योंकि व्यक्ति का पुण्य तो चरणों में ही छुपा है, आपकी उपानाह में छुपा है, आपकी चरण पादिका में छुपा है। चप्पल जूतों को मस्तक से लगाओ, पुण्य मिलेगा। सबने अपना अपना यथोचिति का कार्य किया, भगवान कृष्ण का पूजन हुआ, यज्ञ प्रारंभ हुआ और समाप्ति की ओर जब जाने लगा तो सभी भगवान कृष्ण का जय जयकार करने लगे। सब लोग बहुत प्रसन्न हुए और उसके बाद सा आनंद पांडव ने राजधानी बनाकर के रहने लगे। ये जो आप देख रहे हैं ना, पांडवों का नहर, जहाँ भैरव बाबा का मंदिर है प्रगति मैदान पर, ये पांडवों का बनाया हुआ था। ये पांडवों ने जब यह महल बनाया तभी इसका नाम था इंद्रप्रस्थ। इंद्रप्रस्थ जब अंग्रेजों का राज्य हुआ तो इंद्रप्रस्थ का नाम बदल कर रख दिया दिल्ली, दहली, दहलाने वाली। आजकल तो ट्रैफिक बहुत दहला रहा है सबको, जहां देखो वहीं ट्रैफिक, जहां देखो वहीं ट्रैफिक। अब दिल्ली दहलाने वाली हो गई, एक नाम दहली, दिल्ली। नहीं तो पांडव की राजधानी है जिसका नाम है इंद्रप्रस्थ। प्रेम से कहो श्री राधे। सब्सक्राइब करें रामकृष्ण शास्त्री जी के यूट्यूब चैनल को और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाना न भूलें।